फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के टीवी वार्ड में स्वच्छता के दावे दिखाई दिए फेल, गंदगी और गर्मी से परेशान दिखे मरीज। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में टीवी मरीजों के मामले में सबसे आगे रहता है। वर्ष 2020 की बात करें तो फिरोजाबाद जनपद में 4700 टीवी के मरीजों की संख्या थी, वहीं वर्ष 2021 में 5617 टीवी मरीजों की संख्या दिखाई दी। वर्ष 2022 की बात करें तो अभी तक 1414 केस ही आए हैं, लेकिन फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में स्थित टीवी वार्ड में साफ सफाई के चलते काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शायद आप सभी को पता होगा कि टीवी मरीज के लिए धूल मिट्टी और गंदगी जहर के समान होती है, लेकिन फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के टीवी वार्ड में गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा किए गए दावे फेल नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ तीमारदार और उनके मरीज ने गंदगी का हाल बयां किया है, वहीं दूसरी तरफ वार्ड में लगे कूलर बंद नजर आने के साथ साथ धूल खाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में टीवी मरीजों की हालत क्या होती होगी, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कॉलेज प्रशासन कब तक इन सब चीजों पर संज्ञान लेता है। कौन सा वार्ड है? टीवी वार्ड है। किस तरह की समस्या है यहाँ पे? यहाँ पर गंदगी काफी है, बहुत ज्यादा समस्या। इतनी भयंकर गर्मी है, कूलर रखा हुआ है, चालू है क्या? नहीं चालू है। तो आपने बोला नहीं यहाँ पे इंचार्ज वगैरह होंगे? कोई कहो तो कोई नहीं सुनते। जो करे 80,000 रुपए मांग रहे है सफाई कर्मचारी, तो सफाई नहीं होगी। कब से है यहाँ पे? तीसरा दिन। किस तरह की समस्या है वार्ड में? इसमें समस्या गंदगी गंदगी सब टोटल। इतनी गर्मी पड़ रही है, कूलर रखा है, चालू है? बंद डला हुआ है। तो आपने बोला नहीं कि इतनी गर्मी है और ये कूलर रखा, चालू करें इसको? बोलो, मैंने कहा मुझे सांस की दिक्कत है डॉक्टर साहब, मैंने मेडिकल से दवाई अंदर से मंगवाई, नहीं मिली बोली बाहर से लेकर आओ, जो अंदर से मिल गई वो अंदर से। तो आपने किसी से बोला नहीं सफाई के लिए? मैंने बोला एक सिस्टर से, तो वो बोली कि 80,000 रुपये दो तो इसमें सफाई कर्मी आएंगे। अच्छा, आपसे पैसे मांगे गए? मुझसे नहीं मांग रहे। तो 80,000 रुपये मांग रहे? अच्छा, मांग रहे सफाई कर्मी।